तो बस हम आपसे एक ही बात कहना चाहते हैं, अगर आप कोरलडो को जीरो से एडवांस लेवल तक सीखना चाहते हैं तो ये पूरा वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखें, एक भी पॉइंट को आप स्किप ना करें। ये वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ और टूल्स को हम यूज करने वाले हैं और उसका उपयोग देखने वाले हैं। तो बिना कोई देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब किया, लाइक किया, अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। तो जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बेसिक समझा था, जैसे कि यहाँ पे न्यू डॉक्यूमेंट है तो इस पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलता है। तो यहाँ पे आप सभी को यहाँ पे लेना आ गया था कि पेज का साइज कैसे लेना है, यहाँ पे इंच में कैसे लिया जाता है, यहाँ पे कस्टम है तो बाई चांस A4 साइज कैसे लेना है, ये सारा चीज़ ओरिएंटेशन वगैरह सारा चीज़ हम लोग ने पिछले वीडियो में देखा था। तो आप यहाँ से ऑटोमेटिक इसको देख सकते हैं। पिछला वीडियो आप नहीं देखे तो आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा या आप डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं। नॉर्मली यहाँ से ओके प्रेस करना है तो ये आपके सामने जो ये पेज खुला, ये हमारा ब्लैंक पेज खुला A4 साइज का, ठीक है। तो पिछले वीडियो में हमने बात किया था ये सभी चीज़ की, ये कलर पैलेट क्या है, इसमें से एक दो टूल को भी समझा था। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने यहाँ पे पिक टूल के बारे में समझा था, फ्री हैंड टूल समझा था, फ्री ट्रांसफॉर्म टूल समझा था। वीडियो में हम लोग शेप टूल एंड शेप टूल के अंदर में जो ये सारा टूल्स आपको देखने को मिल जा रहा है, ये सारा टूल का उपयोग समझने के साथ साथ और भी टूल्स को हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं। तो सबसे पहला टूल हम यहाँ पे समझते हैं कि शेप टूल क्या करता है। तो शेप टूल को समझने के लिए क्या करना है, सबसे पहले एक यहाँ पे हमने यहाँ पे रेक्टेंगल को ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से एक रेक्टेंगल ड्रॉ किए। तो अभी आपको शेप टूल समझना है तो अभी जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे चार ठो कोना है, ठीक है। ये शेप में चार ठो कोन है, चार एंगल है। तो अगर किसी भी एंगल को आपको मन है कि ये एंगल गोल हो जाए, सबसे पहले तो अगर मान लीजिए ये चारों कोना वाला है, अगर आपको चारों को गोल घुमाना है तो सीधे नॉर्मली क्या करना है, आपको शेप टूल पे क्लिक करना है। शेप टूल पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो अब आपका यहाँ जो कर्सर है कुछ इस तरीके से यहाँ पे पॉइंट पॉइंट यहाँ पे बन के आएगा। अब किसी एक पॉइंट को अगर पकड़ के आप अंदर की तरफ खींचते हैं, किसी भी एक पॉइंट को जैसे यहाँ पे पकड़ के हम अंदर की तरफ खींच रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि सभी यहाँ पे खींचा रहा है अंदर की तरफ, और ये देख सकते हैं कि अंदर की तरफ यहाँ पे शेप बना रहा है। ये देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से यहाँ पे ये शेप बना रहा है। तो देख सकते हैं ये कि हमारा कैसा डिजाइन बना रहा है। ये शेप टूल का कमाल है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये शेप टूल जैसे देख सकते हैं, यहाँ पे ये देखिए हमने बनाया था एक, हमने क्या बनाया था पहले शेप बनाया था नॉर्मल सा एक चार फुट शेप बनाया, लेकिन यहाँ डिजाइन क्या बन गया किसके मदद से, तो शेप टूल के। तो इसीलिए बता रहा है कि आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, पेशेंस बना के आप देखें, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो ये तो हमारा ये है, कंट्रोल जेड करके क्या करना है कि आपको नॉर्मली बैक आ जाना है। तो एक चीज़ आपको ध्यान रखने वाली बात क्या है कि जो भी टूल पे आप क्लिक करेंगे ना उसका प्रॉपर्टीज ऊपर में खुलता है। जैसे हम यहाँ पे किसी भी टूल पे आप क्लिक करते जाएंगे ना तो ऊपर में इसका प्रॉपर्टीज खुलता है। ये देख सकते हैं आप, जैसे हमने अभी टेक्स्ट टूल लिया तो टेक्स्ट टूल से संबंधित यहाँ पे प्रॉपर्टीज खुलता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो जैसे अभी हमने यहाँ पे शेप टूल लिया, ये शेप टूल पे क्लिक किए तो यहाँ पे शेप टूल संबंधित, जैसे इस पर क्लिक करके शेप टूल पे क्लिक किया तो यहाँ पे ऊपर में आपको शेप टूल संबंधित यहाँ पे मिलेगा। तो शेप टूल में यहाँ पे देख सकते हैं अभी इस पर क्लिक है, ठीक है। हम यहाँ पे कौन सा राउंडेड कॉर्नर पे क्लिक करते हैं और अब इसको अपने अंदर की तरफ खींचते हैं तो ये देख सकते हैं अब अंदर की तरफ तो आ रहा है, लेकिन वो पहले जैसा ऐसे करके नहीं आ रहा, अब थोड़ा सा राउंड करके आ रहा है। अभी कमाल शेप टूल का है, ठीक है। तो ये शेप टूल का कमाल है, यहाँ पे आप जितना अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे ले सकते हैं, जितना भी आपको लेना है आप अपने अकॉर्डिंग इसको ले सकते हैं। जहाँ से आपको पकड़ के खींचना है कुछ इस तरीके से इसको खींचना है। अब एक बात यहाँ पे आता है कि जैसे अगर आपको मान लीजिए केवल हमको दो ही कोना को खींचना है, चार को नहीं खींचना है, जैसे अभी खींच रहे हैं तो ये चारों कोना हमारा खींचा रहा है, ठीक है, लेकिन हमको चार को नहीं खींचना है, केवल एक खींचना है। तो क्या करना है, इस पर जिसको आपको नहीं खींचना है उस पर क्लिक कर दीजिए तो वहां से उसका सिलेक्शन हट जाएगा। ये देख सकते हैं जैसे इस पर क्लिक कर दिया हमने तो इसका सिलेक्शन हट जाएगा, यहाँ पर क्लिक कर दिए तो ये काला हो गया, बाकी सब नहीं हुआ है। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब जब आप खींचेंगे अंदर की तरफ तो एक कोना वो देखें, केवल यही कोना हमारा होगा, ये कोना नहीं हो रहा है, ठीक है, केवल ये कोना हो रहा है और ये बाकी तीनों हो रहा है, ठीक है, और वो नहीं हो रहा है। तो जिसको आपको नहीं करना है उस पर आप एक बार क्लिक कर दीजिए, उसका सिलेक्शन यहाँ से हट जाएगा, देन इसके बाद आप दूसरे को पकड़ के कुछ इस तरीके से यहाँ पर खींच सकते हैं। ये देखिए, तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। फिर से आप देखते हैं, जैसे मान लीजिए ये कोना को हमको खींचना है तो इस पर क्लिक कर देंगे ना तो ये काला हो जाएगा, गौर करके आप देखें इसको, इस पर अगर आप क्लिक करते हैं तो ये काला होगा, अगर इस पर नहीं आपको लेना है अनचेक कर दीजिए तो ये हट जाएगा। ये देख सकते हैं ऊपर से हट गया, अब इसको आप जैसे चाहे इसको घूम सकते हैं। आपको नहीं खींचना है तो क्या करना है, उस पर आप क्लिक कर दीजिए तो देख सकते हैं ये हट गया यहाँ पे, बाकी तीनों हट गया और ये देख सकते हैं यहाँ पे केवल ये आ रहा है। तो अभी है तो हमारा इस पर क्लिक है तो कुछ इस तरीके से ये आया, एंड इसके बाद मान लो
ग्राउंडेड कॉर्नर पे खींचना है तो कुछ इस तरीके से करना है, तो ये हमारा राउंडेड आएगा। और राउंडेड में केवल आपको एक को लेना है तो कुछ इस तरीके से एक पे क्लिक करिए, बाकी अब तीन आपका हट जाएगा और ये देख सकते हैं कि केवल आपका एक आएगा, तीनों अब आपका नहीं आएगा। तो इस तरीके से आप मान लीजिए केवल इसको खींचना है तो इस पर क्लिक करके इसको खींचना है तो इस तरीके से ये खींचाएगा। तो आई होप कि आपको ये समझ में आओ कि ये हमारा शेप टूल एंड राउंडेड रेक्टेंगल क्या वर्क करता है। इसका और भी काम है, अब समझते हैं कि इसका और क्या काम है। तो इसको नॉर्मली कंट्रोल जेड करके हटा दिए, फिर से क्या करते हैं, फिर से एक रेक्टेंगल टूल लेते हैं। ठीक है, ये हमने एक रेक्टेंगल टूल लिया। अब हमको मन क्या है कि ये जो शेप है इसको इस तरीके से ये ऐसे रहे, मतलब इस तरीके से ये रहे, तो इसके लिए भी हमारा यहाँ पे शेप टूल ही वर्क करेगा। वो कैसे करेगा, नॉर्मली यहाँ पे शेप टूल पे क्लिक कर देंगे। शेप टूल पे जैसे आप क्लिक कर देंगे ना, तो ऊपर में एक ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलेगा इस तरीके से, पॉइंट पॉइंट वाला, इसका नाम है कन्वर्ट टू कर्व, या कंट्रोल क्यू भी आपको प्रेस करेंगे तो ये एक्टिव हो जाता है। तो इस पर नॉर्मली आपको क्लिक कर देना है। तो अब इस पर क्लिक करेंगे तो आपका लाइन थोड़ा सा ब्लू हो जाएगा, थोड़ा डार्क हो जाएगा। तो डार्क होने के बाद इस पर जैसे ही लाएंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे एस का निशान बन रहा है, सांप वाला। तो जहाँ से आपको घुमाना है, अंदर घुमाना है, जैसे यहाँ पे है और यहाँ से आपको घुमाना है, तो यहाँ पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से यहाँ पे लाए और इस तरीके से यहाँ पे एक बार आपको क्लिक करना है, तो ये इस तरीके से पॉइंट बन गया। तो ये पॉइंट जैसे ही बन जाएगा ना, तो ऊपर में एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा कन्वर्ट टू कर्व, ये देख सकते हैं इसका निशान यहाँ पे ये है कन्वर्ट टू कर्व, इस पर नॉर्मली आपको क्लिक करना है। अब आप जैसे क्लिक करेंगे दो एरो आपको देखने को मिलेगा, तो ये एरो को खींच के आपको अंदर करना है, अंदर में आपको ले जाना है तो अंदर खींचिए। ठीक है, कितना अच्छा से खींचना है वो आप अपने अकॉर्डिंग इसको देख सकते हैं, कितना अच्छा से आपको माउस का कर्सर चलाने आता है वो आप उतने अच्छा से इसको खींच सकते हैं। तो देख सकते हैं ये हमने यहाँ पे इसको खींच दिया इस तरीके से। बाहर में आपको खींचना है तो बाहर भी ले सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि अंदर, बाहर आपको खींचना है तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे बाहर ले सकते हैं। और इसका बारीकी कितना अच्छा से आपको लेना है आप अपने अकॉर्डिंग इसको देख सकते हैं। एंड इसमें पिछले वीडियो में हमने देखा था शेप के अंदर कोई कलर फिल करना है तो कैसे हम लोग इस पर कलर फिल कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं कि वही हमारा शेप जो हमने वो शेप लिया, वो शेप यहाँ पे किस तरीके से कन्वर्ट टू कर्व एक शेप टूल की मदद से हम लोग इसको कर सकते हैं। अगर इसमें आपको 3D डिजाइन देना है तो कंट्रोल डी कर दीजिए आप, इसका डुप्लीकेट हो जाएगा। इसका कोई भी अगर अदर कलर करना है तो राइट क्लिक करके इस पर कलर फिल कर सकते हैं। और ये वाला लेयर को पीछे भेजना है तो राइट क्लिक किस पे करिए एंड यहाँ पे ऑर्डर वाले ऑप्शन पे क्लिक करिए और इसको बैकवर्ड कर दीजिए, या सबसे पीछे सेंड बैक ऑफ लेयर कर दीजिए तो ये सबसे पीछे चला जाएगा। एंड इसके बाद क्या करना है कि इसको कुछ इस तरीके से आपको एडजस्ट कर देना है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आओगा कि कन्वर्ट टू कर्व कैसे वर्क करता है, शेप टूल कैसे वर्क करता है। इससे आप क्या कर सकते हैं कि सिंपल ये सब टाइप का जो आईडी कार्ड है ये आप आसानी से डिजाइन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आईडी कार्ड भी वगैरह ये सब भी बनाना देखेंगे। अगर आप देखना चाहते हैं अभी तो मेरे प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में ऑलरेडी हमने बहुत सारा कोल्डो का वीडियो बना के रखा है और बहुत सारा प्रोजेक्ट, एडवांस प्रोजेक्ट को भी बना के रखा है, तो आप वहां से देख के भी सीख सकते हैं। तो मैं हम लोग पूरा शेप टूल को देखेंगे। तो यहाँ पे आई होप कि आपको शेप टूल समझ में आया होगा। इसके बाद स्मूथ टूल क्या करता है कि जैसे शेप टूल का ही ये काम करता है, लेकिन ये थोड़ा सा स्मूथ वर्क करता है। जैसे यहाँ पे एक टूल हमने लिया और कुछ इस तरीके से यहाँ पे एक शेप लिया और यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक कोना है। ठीक है, तो स्मूथ टूल क्या करता है, उस कोना को कोना नहीं करता है, थोड़ा सा उसको स्मूथ बनाता है। कैसे, जैसे इस पर हमने क्लिक किया एंड इसके बाद यहाँ पे स्मूथ टूल पे आप क्लिक करेंगे तो ये देख सकते हैं कि यहाँ पे इसको पकड़ के खींचेंगे ना तो ये इसको थोड़ा सा स्मूथ बनाएगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से इसको थोड़ा सा ये स्मूथ बनाता है। आई होप कि आपको ये देख सकते हैं कि ये कोना और ये कोना दोनों में फर्क है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं ये थोड़ा सा कोन निकला हुआ है लेकिन ये थोड़ा सा स्मूथ है। जैसे आप स्मूथ कैसे करता है, जैसे इसको इस कोना को स्मूथ करना है तो इस पर क्या करना है, ला के आपको इस तरीके से क्लिक करना है, ये ऑटोमेटिक इसको स्मूथ बनाएगा। जैसे इस पर क्लिक करके पॉइंट पे और कुछ इस तरीके से इस पर क्लिक करेंगे तो इसको ये स्मूथ बनाएगा। देख सकते हैं आप कि अब इसमें कोना नहीं है, चरखुट कोना नहीं है, इसके जैसे यहाँ पे कोना, जैसे यहाँ पे कोना है, यहाँ पे कोना नहीं है, ये क्या है, थोड़ा सा स्मूथ कर दिया। तो यही काम है स्मूथनेस का। उसके बाद हमारा स्मियर है, तो स्मियर भी सेम इसी तरीके से वर्क करता है। इसका थोड़ा सा वर्क है, आप अगर देखना चाहते हैं तो यहाँ पे दिखा सकते हैं। जैसे यहाँ पे कहीं पे भी आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक पॉइंट ये बना के देगा, ये पॉइंट हमको जनरेट करता है। और ये पॉइंट देख सकते हैं जहाँ से भी आपको कुछ निकालना है तो वहाँ से लाइन को अंदर के तरफ या बाहर आपको लेना है तो ये बाहर की तरफ ये खींच देता है। तो आप इसको अपने अकॉर्डिंग यूज ले सकते हैं लेकिन ज़्यादा इसका उपयोग नहीं है। यहाँ पे एक टूल इसमें बहुत ही मज़ेदार है, वो है ट्विंग टूल। ट्विंडल टूल क्या करता है सो देखिए, जैसे अगर यहाँ पे आपको रेनबो टाइप का या स्टार टाइप का कुछ बनाना है शेप, तो जैसे इस पर नॉर्मली आपको लाइन पे लाके क्लिक करना है और देख सकते हैं कि ये डिज़ाइन आपका बनाने लगा। ये देख सकते हैं कि यहाँ पे डिज़ाइन बन गया। थोड़ा सा इसको हम आपको जूम कर देते हैं
जैसे यहाँ पे लाइन पे अंदर हमको एक जूम बनाना है, सकते हैं जैसे ही आप इसको क्लिक करके रखेंगे तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे रेनबो टाइप का यहाँ पे जाला टाइप का ये बनाने लगता है। तो ये जाला के डायरेक्शन भी आप चेंज कर सकते हैं, जैसे अभी इसका डायरेक्शन आप देख सकते हैं कि ये डायरेक्शन किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में घूम रहा है। तो यहाँ पे इसका डायरेक्शन प्रॉपर्टी देख सकते हैं, इस पर इस तरीके से इस पर क्लिक कर देंगे एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ पे देख सकते हैं अब जो ये बनाएगा तो ये उल्टा बनाएगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से इस पर क्लिक करना है और अब जो बनाएगा ये एंटी क्लॉकवाइज बनाएगा। तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। तो बहुत जगह आप डिजाइन में देखे होंगे कि कुछ इस तरीके से यहाँ पे डिजाइन बना देता है तो काफी अच्छा लगता है दिखने में। आपको ये सारा टूल समझ में आया होगा, आगे और भी हम लोग प्रोजेक्ट्स बनाएंगे तो उसमें सारा टूल्स को धीरे धीरे समझते जाएंगे और प्रोजेक्ट बनाते जाएंगे और करते जाएंगे। इससे हमारा क्या हो जाएगा, प्रोजेक्ट भी बनाने आएगा और हमारा क्या है कि टूल्स भी क्लियर हो जाएगा। तो इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं, सबसे पहले क्या करना है इसके लिए आपको नॉर्मली एक टेबल, तो सबसे पहले इसके लिए नॉर्मली आपको एक वृत्त को कुछ इस तरीके से यहाँ पे लंबा सा ड्रॉ कर लेना है। एंड इसके बाद इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपके सामने एक कर्सर आ जाएगा। तो यह जो बीच वाला आपको पॉइंट दिख रहा है इसको बीच में ही रहने दें। एंड क्या करना है कि कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपको एक बार कुछ इस तरीके से खींचना है और लेफ्ट बटन को छोड़ने से पहले आपको राइट बटन दबा देना है, तब आपका यहाँ पे डुप्लीकेट हो जाएगा। एंड इसके बाद आपको कंट्रोल आर दबाए रखने रहना है और ये देख सकते हैं कि इस तरीके से आपका क्या है कि रंगोली टाइप का ये बन जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे रंगोली नहीं बना रहे हैं, यहाँ पे क्या करना है कि कुछ इस तरीके से अब इसको पूरे एरिया को सिलेक्ट करना है, पिक टूल पे आपको क्लिक कर लेना है, इसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट करना है, ठीक है, कुछ इस तरीके से सिलेक्ट करना है। एंड इसमें जो भी आप कलर फिल करना चाहते हैं कुछ इस तरीके से यहाँ पे कलर फिल कर देना है। तो ये देख सकते हैं ये हमारा क्या बन गया कि हम लोग कोई भी पॉइंट पे जो हाईलाइट करते हैं, जैसे आप यहाँ पे रेट 100%, 200%, 25% ऑफ ये वाला सब चीज़ जो देना है वो यहाँ पे बन जाएगा। या आपको ये नहीं बनाना है तो क्या करना है कि नॉर्मली इसमें कलर फिल में आपको नो फिल कर देना है, कुछ इस तरीके से इस पर क्लिक करके कुछ इस तरीके से इसका सिलेक्शन बना लेना है एंड कलर फिल में आपको यहाँ पे नो फिल कर देना है। तो देख सकते हैं यहाँ पे ये क्या हमारा बन गया, तो ये देख सकते हैं ये हमारा रंगोली बन गया। लेकिन ये रंगोली से हम लोग क्या कर सकते हैं सो देखिए, नॉर्मली इसको क्या करना है कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है एंड कंट्रोल जी कर देना है, तो ये हमारा पूरा ग्रुप हो गया, ठीक है, तो ये ग्रुप हो जाएगा। इसके बाद इसको क्या करना है, थोड़ा सा छोटा कर लेना है कुछ इस तरीके से, छोटा करके कुछ इस तरीके से यहाँ पे लाके आपको रख लेना है। अब इसके बाद कंट्रोल डी करके इसका एक डुप्लीकेट लेना है और इस तरीके से यहाँ पे आपको लास्ट में लाके रखना है, ठीक है, एक स्टार्टिंग में एक लास्ट में। अब आपको देखिए यहाँ से यहाँ तक हमको सेम यही चीज़ बनाना है, तो इसके लिए एक ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल रहा है आपको, ब्लेंड टूल, ठीक है, शैडो टूल आपको देखने को मिले नहीं तो ब्लेंड टूल देखने को मिले, तो इस पर क्लिक करेंगे ना तो एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा ब्लेंड टूल, तो ब्लेंड टूल पर आपको नॉर्मली क्लिक करना है और यहाँ से पकड़ के कुछ इस तरीके से यहाँ तक आपको खींचना है कुछ इस तरीके से, और आप देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक बन गया। तो हम शुरू में ही बताएं कि इसका सेम जो भी टूल आप लेते हैं उसका प्रॉपर्टीज ऊपर में खुलता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका एक प्रॉपर्टीज खुला है, तो आप यहाँ से इसका क्या कर सकते हैं कि साइज को इंक्रीज, ये हमारा रोटेट का है तो इसको रोटेट कर सकते हैं, इसके साइज को आप बढ़ा घटा सकते हैं, ठीक है, ये जैसे देख सकते हैं ज़्यादा कम, ये आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं, ये देख सकते हैं आप इसको जो भी कलर देना चाहते हैं आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से कलर दे सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे, तो जैसे भी आपको यहाँ पे बनाना है यहाँ पे साइज को आप इसको कम ज़्यादा आप अपने अकॉर्डिंग इसको साइज को कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो देख सकते हैं कि ये सब चीज़ का यूज करके हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि बॉर्डर कैसे डिजाइन करना है, हम लोग पीछे का अपना जो वॉलपेपर है वॉलपेपर कैसे डिजाइन करना है, तो सब बहुत कुछ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखने वाले हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा, तो ऐसे और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।